क्षण की प्रतीक्षा तो देवलोक को भी कब से थी। आपका स्वागत है वैष्णवी। कन्या, अंततः खुल गया तुम्हारा रहस्य। कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? पता चल गया बालिका का। महारानी, आपको अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। नियति का लिखा कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। वैष्णवी, ये कौन है माँ? माँ, आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना, वो कौन है? हमें जानना है। वैष्णवी, हम बाद में शांति से बताएंगे, अभी चलो यहाँ से। चले जाएंगे, किंतु बताइए ना उसे कौन है, हमें जानना है उनके बारे में। ये नारायण है पुत्री। शाताकारं भुजगशयनं।
हमें दोषी मत ठहराइए महारानी। आपके पुकारने पर आपकी पुत्री ने प्रवेश किया। नारायण कौन है पिताश्री? इतना विराट प्रश्न आपने इतनी सरलता से पूछ लिया, परंतु पुत्री इसका उत्तर इतना सरल नहीं। हम कहां से आरंभ करें और कहां अंत, कैसे बताएं, किन शब्दों में हम ये आपको बताएं कि नारायण कौन है। उनका विराट स्वरूप शब्दों में नहीं समाता और उनकी महिमा को भावनाओं से अभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु आपने प्रश्न पूछा है तो हमें बताना ही पड़ेगा। प्रयास करते हैं हम। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृदान्तनगम्यं। सर्वलोकाय कनाथम पुत्री ने नारायण की स्तुति की है। पिताश्री, हमें नारायण की कथा सुननी है, हमें उनके बारे में सब कुछ जानना है। अवश्य। हमसे कोई टूटी हुई है क्या? नहीं, क्यों? माँ क्यों चली गई? नहीं पुत्री, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई, और आप माँ की चिंता ना करें। माँ को कोई आवश्यक कार्य होगा, और वैसे भी माँ आजकल बहुत कुछ भूलने लगी है। सब कुछ मंगल होगा।